आज बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारे सीरियल जो है मोहब्बतें ने 1500 एपिसोड से ज़्यादा पूरे कर लिए हैं, और ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आज भी जिस तरह से ऑडियंस हमारे सीरियल को लाइक कर रही है, उम्मीद है कि आगे आने वाले कई सौ एपिसोड तक ऐसा ही प्यार देंगे, खुशियाँ देंगे और लाइक करते रहेंगे। बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है, और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि ये सिर्फ मैं एक करेक्टर ही नहीं कर रहा हूँ, और मेरी ये ज़िंदगी के पर्सनल ज़िंदगी के बहुत ही करीब करेक्टर है। हाँ, बहुत है मेमोरीज़ तो बहुत हैं और आगे भी मेमोरीज रहेंगी, कि एक तो जो हमारा बायोलॉजिकल फैमिली रहती है वो तो है ही है, ये सीरियल करके मुझे एक एक्सटेंडेड फैमिली मिल गई है, और जो मेरे बच्चे बने हैं रमन, इशिता, रोमी, सब लोग मेरे बच्चों की तरह ही मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं, और मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कहीं दूसरी जगह किसी और के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे पूरी फैमिली लगती है और एक एक मोमेंट उनका मेरे को याद रहता है और हम इंजॉय करते हैं। बदलाव तो ऐसा कुछ नहीं है, खट्टी मीठी उनकी नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन रियल लाइफ में और उनका बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप रहती है, जिस तरह से स्क्रीन के ऊपर वो एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं ऐसा नहीं है, बहुत ही फ्रेंडली वे में आपस में रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है, बल्कि और ज़्यादा अच्छे रिलेशन बन चुके हैं सबके। रमन का और मिस्टर भल्ला का, रमन भल्ला का और ओम प्रकाश भल्ला का बहुत ही अच्छा रिश्ता है सीरियल में भी, और करण पटेल और कौशल कपूर का रिश्ता और भी ज़्यादा अच्छा है ऑफ स्क्रीन, तो वो बिल्कुल ही मेरे बड़े बेटे की तरह है, और वो भी मुझे अपने फादर की तरह ही रिस्पेक्ट देता है, और मैं भी उसको अपना बड़ा बेटा ही मानता हूँ, और उम्मीद है कि आगे भी हमारा रिलेशन ऐसे ही बना रहेगा, रिश्ता आगे निभाते रहेंगे। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई एम सो हैप्पी, एंड आई विश आवर शो मेक्स लाइक Done 1500, so now probably we're looking more for like 5000. तो इशिमा और पापा के साथ फॉर्मेस मेमोरी, पापा और इशिमा की नोकझोंक, हाँ, जो आप सॉर्ट करते थे, नहीं पापा और इशिमा की नोकझोंक जो मैं सॉर्ट करती थी व्हेन आई वाज रूही। तो आप इतना पढ़ने लिखने आपको रिक्वेस्ट करने में कितना टाइम लगा?
night before I chose my dress, okay, next day, मुझे problem ना हो, confusion ना हो, कौन सा dress पहनूँ, कौन सा ना पहनूँ. अच्छा, आज पार्टी करने वाले हो अंदर, क्या कुछ तैयारी की है पार्टी के लिए? अगर कुछ बताओ आप. बहुत सारा मजा करने वाले हैं. डांस करने वाले हैं कोई? हाँ, माँ के साथ. हाँ, से गाने पे. Any favorite song? What? रूही का फेवरेट. ये लड़की बड़ी ड्रामा को है, वो वाला इशिका और ये, they dance to that. Love you all and keep watching us. I think I have to really thank each of the person who've loved her throughout, because it's been one hell of a ride for me as a mother, as a parent. Every single day has been so joyous, very prosperous. So I think I have to thank everyone out there who has loved her, who showered so much of love and blessings on her. So thank you very much from the both of us, from the bottom of our hearts. Thank you. बहुत ज़्यादा यार, आई एम अ प्राउड पेरेंट. मतलब आई एम नोन एज रूहानी का मदर. उससे और अच्छी बात क्या हो सकती है? मेरा नाम कोई याद नहीं करता, सारे कहते हैं रूही की मम्मी, पीहू की मम्मी. ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. आई होप सो 3,000, 1,500 मोर. It feels fantastic. मैं टेलीविजन पिछले 15-16 सालों से कर रहा हूँ, और ये मेरा पहला शो है जो इतना लंबा चला है. मतलब मैंने कभी लाइफ में एक शो पे 5 साल काम नहीं किया है. बट आज भी हम जब इस शो पे काम करते हैं तो लगता है नया शो है, फ्रेश शो है. तो आई थिंक इट्स द कम्बाइंड टीम वर्क, हेडेड ऑब्वियसली बाई एकता, माई राइटर्स, माई सेल्फ, माई कास्ट, माई क्रू, माई एडिटर्स, माई साउंड डिजाइनर्स, एवरीबडी. आई थिंक इट्स द एंटायर टीम दैट हैज कम टुगेदर and made this grand success. The story keeps evolving. जैसे ये एक डेली शो है, हम बीच में मंडे टू संडे कर रहे थे, इट्स अ डेली शो, तो उसमें इनोवेशन तो होता ही रहता है. सो वी कीप ट्राइंग टू डू न्यू थिंग्स एंड न्यू ट्रैक्स एज मच एज पॉसिबल. I'm just saying, as long as people are enjoying it and they are loving it and they are liking it, we are there to provide entertainment. ऐसे कोई fondest memory नहीं है. Basically, the whole show has been such a great journey. मतलब पूरे show में काम करना has been so exciting, has been so much of fun that I think the entire show, the entire 5 years have been memorable for me. And as you rightly said, 5 years more to go, 1,500 episodes more. I think Raman and Nishita have become iconic characters, and I give full credit to all the directors, to Divyanka Tripathi, to Karan Patel, the way they portray these characters. And I think it's one of the only shows on television where the man, Raman, has got such a prominent role. Shagun has been so fantastic in the show. She plays the third angle, and till today I think I cannot see Yeh Mohabbatein besides without Raman, Nishita and Shagun. So I think kudos and full marks to the entire acting team who done such a brilliant job. मैं यही कहना चाहूँगा कि और मोहब्बतें देते रहिए हमें, एंड और प्यार देते रहिए, एंड हम 1500 एपिसोड और बहुत प्यार से और बहुत दिल से बनाएंगे आपके लिए. थैंक यू, थैंक यू. अरे यार, बाद में आप मिलो यार. सामने सर, फोटो फोटो. लवली, लवली. हाँ जी, हाँ जी, बहुत खुशी है ऑब्वियसली, बिकॉज 1500 एपिसोड इज अ ग्रेट माइलस्टोन.
अरे बाप रे, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है. कभी ऐसा कोई शो मिला नहीं मुझे जिसके 1500 एपिसोड पूरे हो गए हों. मोस्टली 200-300 तक पूरे हो जाते हैं तो हम उसे सोचते थे कि आ हा खुदा मेहरबान हो गया, अभी तो गधे को पहलवान बनना पड़ेगा. लेकिन 1500 एपिसोड इज़ अ वेरी डिफरेंट फीलिंग एंड प्लेइंग द सेम कैरेक्टर 1500 एपिसोड के लिए कभी कभार भारी पड़ जाता है. कभी कभार हम लोग रियल लाइफ में बाला मनी बन जाते हैं तो बस वही कोशिश होती है कि दोनों को अलग अलग रखें. मनी के अभी 1500 एपिसोड खत्म हुए नहीं है बिकॉज मैं थोड़ा लेट आई जॉइंड अबाउट अ ईयर लेट तो लेकिन वो भी पूरे होंगे वेरी सून. देखो मैं बता दूं वैसे सुनो तुम लोग मतलब रियल लाइफ में पंजाबी हो या ना आई डोंट नो बट हमारे शो में तो मद्रासी है और ये शो ना सिर्फ पंजाबियों की वजह से चला है. पल्ला एंड गैंग जो दिल्ली में जो मेरा जो कैरेक्टर है वो दिल्ली में पला बड़ा मद्रासी है, साउथ इंडियन है. तो उसकी उसका जो डीएनए है वो साउथ इंडियन है, बाकी उसकी सारी हरकतें पंजाबियों वाली. सी इन्होंने भी बोल दिया पंजाबी. हाउ डज दैट मैटर यार, दिल्ली वाले क्या की फर्क पैंदा है? कोई फर्क नहीं पैंदा एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड यस वी लुक फॉरवर्ड टू 1500 more, so we'll meet again at 3000. And thank you so much, thank you so much. आप लोगों ने जो हमको अभी तक सपोर्ट किया है, जो शो को कवरेज दी है, thank you so much for that. Thank you. Thank you so much, dear.
I'm very proud that I have been part of one of the most path-breaking daily soaps in Indian television. Yeh hai Mohabbatein. And such a coincidence, I haven't been a part of the show for a year. But I enter here and Karan and me are together. So Raman and Meeru are together today. Aur wohi hum dono matlab same andaaz mein mile. But I'm very happy and I think everybody loves this show unlike any other show. Yes, I think YHM is a show that मैं इक्वेट करता हूँ जितना मैंने काम किया तो एक मेरा रीमिक्स था तो उसके फैंस अभी भी बरकरार आ रहे हैं और एक ये है मोहब्बतें जिस जिनके फैंस आई थिंक इतने डेडिकेटेड हैं एंड दे लव अस एंडलेसली बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट गोज़ टू एकता कपूर एंड द क्रिएटिव टीम हु काइंड ऑफ पुट टुगेदर दिस शो एंड ऑल ऑफ अस एग्जिबिटिंग आवर रोल्स थ्रू इट वो जो कैरेक्टर खड़ा है ना वहाँ पे सबसे ज़्यादा करण पटेल करण ने प्रैंक किया उस सेट पे करण ने बहुत प्रैंक्स किए हैं सेट पे ही इज ऑलवेज अ फन मस्ती गाय बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट हिम इज अ ब्रिलियंट एक्टर एंड इज अ ग्रेट गाय एंड अ ग्रेट फ्रेंड आई थिंक फैंस को ये नहीं पता कि जब ये शो शुरू हुआ था तो हमें एक 11:30 या 11 बजे का स्लॉट दिया गया था किसी को इस शो से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी और हम जितने एक्टर्स आए थे काफ़ी देर के बाद टीवी स्क्रीन पे आए थे आई थिंक हमें भी खुद अंदाज़ा नहीं था कि उन कुछ पहले 3-4 महीनों में ये शो आगे जाके क्या करेगा इंडियन टेलीविजन के लिए और ख़ासकर ऑडियंसिस के लिए सो ये मैं कह सकता हूँ आई थिंक जब हम लोग इस पर काम कर रहे थे इट वॉज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड बंच ऑफ एक्टर्स दैट एकता हैड पुट टुगेदर उन्होंने बहुत चुनिंदा एक्टर्स पकड़ के इन रोल्स में दिए थे लेकिन इसकी सक्सेस आज हम 1500 एपिसोड शूट कर रहे हैं I don't think किसी भी कास्ट मेंबर को पता था अली गोनी अली हु इज़ नॉट हेयर वो फिलहाल शूट कर रहे हैं अर्जेंटीना में लेकिन किसी को पता नहीं कि अली मेरा 3 साल से मेरा रूममेट था तो हम दोनों रूम शेयर करते थे सो ही इज़ माई पार्टनर इन क्राइम जो भी फन मस्ती होती थी चाहे वो इस तरफ की उस तरफ की सेट की मैं और अली आके मेकअप रूम में सब कुछ डिस्कस करते थे I wish Ali all the best. He's a very fit guy. He's a very strong guy. Mere Jammu ka banda hai. And I wish him all the best. And I'm sure he'll rock it and come. Wo darta to hai nahi. Maine uski ek picture dekhi thi Instagram pe saamp ke saath. Main khatron ke khiladi ke bare mein soch hi nahi sakta kyunki saampo se mujhe itna dar lagta hai. Bharati. Okay, yes, sorry. मैं ऑडियंसेस और फैंस को यही कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच दिल से फॉर लविंग अस गिविंग आर शो सो मच सपोर्ट एंड ट्रूली ट्रूली बिलीविंग इन दिस शो एंड द कैरेक्टर्स ऑफ दिस शो एट द एंड ऑफ द डे इट्स एकता कपूर्स बेबी एंड संदीप सिकंद्स बेबी वी आर ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सप्रेशन बट ये शो आई थिंक इट वॉज अ पाथ ब्रेकिंग शो इन स्टिल इज इन इंडियन टेलीविजन एंड आई थिंक बाकी डेली सोप से बहुत अलग था एक बहुत ही ब्रेथ ऑफ प्रेशर आया था इंडियन टेलीविजन में और ऑडियंसिस ने इसको सहारा और हम सबको बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार दिया एंड आई लाइक टू थैंक यू ऑल फ्रॉम माई हार्ट थैंक यू फॉर ऑल द लव ओवर द ईयर्स फॉर YHM थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू एनी मोर क्वेश्चन